Hey my cuties, welcome or welcome back to my channel. So guys, in today's video I am going to share organic cord set haul under 1000 rupees. Like mostly तो like 700 या फिर 400-500 ऐसे ही कुछ रेंज के हैं. सो बहुत अफोर्डेबल कॉर्ड सेट मैंने पिक किया आप लोगों के लिए टेस्ट करने के लिए कि यार क्या क्वालिटी से कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा क्या, बिकॉज बहुत सस्ते थे तो मुझे लगा कि पता नहीं थोड़ी क्वालिटी इधर उधर आएगी क्या. सो मैंने कुछ कॉर्ड सेट ट्राई किए, वही शेयर करने वाली, ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है मेरा इस वीडियो में. सो चलो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सभी का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइस साइज मैं आपको बताऊंगी भी और आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, ट्राई ऑन भी स्क्रीन पे मिल जाएगा. सो डोंट वरी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई हैव दिस कॉर्ड सेट राइट हियर गाइस. ये मुझे इतना पसंद आया है ना कि इसे तो मैं डेफिनेटली रखने वाली हूँ और मैं आप लोगों को भी बोलूंगी कि प्लीज इसे बाय कर लेना. ये जस्ट 796 का था तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इतना पसंद आया, मतलब क्या लुक आ रहा है इसका. तो ये ना पिंक इन कलर में है, लाइक बेबी पिंक कलर पे, फिर हॉट पिंक कलर के ना छोटू छोटू हर्ट शेप्ड की डिटेलिंग है. आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी पास से कि किस टाइप की डिटेलिंग है. बहुत ज्यादा क्यूट है. ऑफ शोल्डर में मिल जाएगी इसकी टॉप, आप देख ही सकते हैं. देन आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ स्ट्रिंग मिलेगी टाइप के लिए और यहाँ पे भी इलास्टिकेटेड है, यहाँ पे भी इलास्टिकेटेड है. थोड़ा वो पफी पफी लुक आएगा. आप चाहें तो इसको ऐसे भी वेयर कर सकते हैं, बट ये ऑफ शोल्डर ना ज्यादा प्रिंसेस वाइब दे रही थी तो मुझे अच्छी लग रही है. एज वेल एज जो ये स्कर्ट है इसके साथ सेम प्रिंट में है, इतनी प्यारी स्कर्ट है ना गाइज, मुझे बहुत ही सही लगी. साइज बहुत ही अच्छे से मुझे फिट आया है. मेरा जो साइज है वो है मीडियम एंड इट परफेक्टली फिट मी. मैं आपको बोलूंगी अपने परफेक्ट साइज के लिए जाना, बिकॉज जो आपका परफेक्ट साइज होगा आपको इजीली आ जाएगा. तो ये टॉप इतनी क्यूट है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. ओवरऑल सेट बहुत अच्छा लग रहा है. आप ट्राइल में भी देख पा रहे होगे कि मेरी बॉडी टाइप में ना यार इतना अच्छा लग रहा है और अभी पता भी चल रहा है इसको वेयर करने के बाद कि हाँ मैंने वेट लूज कर लिया है, क्योंकि वो आप देख पा रहे होगे सेट पे भी कि कितना अच्छा लग रहा है लाइक. सो ये तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, प्लीज डू ट्राई दिस वन. फैब्रिक की बात करें, फैब्रिक जो है इसका रेयॉन फैब्रिक है, काफी अच्छा फैब्रिक है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. ओवरऑल बहुत प्यारा सेट है, हाईली रिकमेंड करूंगी. नेक्स्ट गाइस, आई हैव दिस सेट राइट हियर. और जब मैंने इसको देखा था ना, मुझे बिल्कुल कोरियन वाइब्स दे रहा था. तो इसके साथ आपको टॉप एंड स्कर्ट रिसीव होगी, सभी स्कर्ट के सेट ही हैं मेरे पास. तो ये वाली कुछ इस टाइप की आपको स्कर्ट रिसीव होगी. फैब्रिक अगेन इसका भी रियॉन है एंड आप देख सकते हो इस टाइप का चेक्स प्रिंट है. अच्छा, फैब्रिक क्वालिटी और जो चेक्स प्रिंट है वो टॉप पे और इस पे सेम होगा. तो इस टाइप की कुछ होगी. यहाँ पे साइड में आपको नो शो जिप मिलेगी जिससे आप इजीली वेयर कर सकते हो. एंड फिर बॉटम में ना ऐसे आपको रफल वाला डिटेलिंग मिल रहा है, तो बहुत ही क्यूट सी है. और ये बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, अच्छी खासी लेंथ आएगी. तो बहुत अच्छी लेंथ आती है, लुक इसका बहुत अच्छा लगा मुझे. ओवरऑल तो स्कर्ट बहुत प्यारी है. एज वेल एज ऐसी स्कर्ट्स को ना आप मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो. और इसके साथ आपको रिसीव होने वाली है ये टॉप जिसका बैकलेस लुक है गाइस, बहुत ही अच्छा है. प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस था 696 एंड आई मीन दिस साइज मीडियम. अगेन अपना परफेक्ट साइज के लिए जाना, बहुत अच्छे से मुझे परफेक्टली फिट आया है और इतना प्यारा लुक दे रहा है. तो अगेन इसका भी वही सेम काइंड ऑफ लुक है, बस ये बैकलेस नहीं है और ये बैकलेस है. तो इसमें भी आपको ऐसे पफी पफी स्लीव्स मिलेगी, आप इसको ऑफ शोल्डर करके भी वेयर कर सकते हो, ऐसे वेयर कर सकते हो. फ्रंट लुक तो वही चेक्स वाला आएगा और बैक में ऐसे ड्रॉ स्ट्रिंग है, तो फुल बैक में ऐसे जिगजैग काइंड ऑफ पैटर्न है, तो बहुत प्यारा लुक आएगा. आपको पास से ट्रायल मिल ही जाएगा बैक का, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसका लुक आने वाला है. यार इतना क्यूट कोरियन वाइब्स दे रहा है और 696 का, मतलब जो हम मीशो पे कॉर्ड सेट बाय करते हैं ना जिस रेट पे, उस रेट पे ये कॉर्ड सेट मुझे अर्बैनिक में मिले हैं. तो एक तो ये अर्बैनिक आउटफिट है तो क्वालिटी से तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. सेकंड ये भी है कि यार साइज भी परफेक्ट आएगा. और थर्ड ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार कुछ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कुछ और तो नहीं भेज देंगे, क्योंकि मीशो पे तो बहुत फ्रॉड होता है. बट ये बहुत ही प्यारा वाला सेट है यार, इतना पसंद आया है ना मुझे. मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी गाइज, प्लीज ये दो सेट तो मेरे कहने पे आज के हॉल में बाय कर ही लेना. अब आगे के सेट दिखाती हूँ. बात करें इस सेट की, तो ये सबसे ज्यादा सस्ता सेट था. ये कुछ मुझे 477 का रिसीव हुआ था, मतलब मीशो पे भी नहीं मिलते इतने सस्ते कॉर्ड सेट. तो फिर अर्बैनिक पे मेरे को मिल ही रहा था तो मैंने बाय कर लिया. तो इसमें आपको टॉप और एक स्कर्ट रिसीव होगी. कुछ डिफरेंट था स्कर्ट ना, मैं पहले टॉप की बात कर लेती हूँ. आपको ना इस टाइप के कुछ क्रेप फैब्रिक में मिलेगा और जो इस पे लुकिंग है आप देख सकते हो, फ्लोरल प्रिंट है, काफी ज्यादा क्यूट सा है. तो पर्पल एंड ऑरेंज कलर में, पीच ऑरेंज कुछ ऐसा कलर है, फुल ऐसे फ्लोरल डिटेलिंग हो रखी है और स्ट्रैप्स हैं इसके जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो. अच्छा, एक तो इसमें गड़बड़ ये हुई कि मैंने थोड़ा साइज जो है ना वो गलत ले लिया, तो स्कर्ट आपको ट्रॉन में लूज लगेगी. तो मैं उसको होल्ड किया हुआ है पीछे से, यानी क्या सोच के इसमें एल साइज ले लिया. तो मैं बोलूंगी कि यार इसमें भी अगेन अगर आप अपना
परफेक्ट साइज लोगे तो परफेक्टली फिट आएगी। और लुक यार 477 के अकॉर्डिंग तो मतलब बहुत ही अच्छा आ रहा है, बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा और एक अलग सा डिफरेंट लुक है। तो स्कर्ट की बात करें तो अगेन वही प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट मिलता है और स्कर्ट के अंदर आपको नेट मिल रही है। तो ये नेट ना स्टार्ट होती है यहीं से ही नेट स्टार्ट हो जाती है और फिर ऐसे साइड में ना इससे तो कुछ पैटर्न आपको ट्रायल में मिल जाएगा, मतलब ऐसे कटआउट है स्कर्ट में, स्कर्ट नी लेंथ से भी मिल हो जाती है, फिर उसमें कटआउट है, फिर नेट दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ट्रायल में आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि कैसे इसका लुक आएगा। बट ये इतना प्यारा सेट है, मैंने सोचा नहीं था कि यार मतलब 477 में इतना क्यूट सेट आएगा और फैब्रिक भी बहुत ठीक है। अगर फैब्रिक क्वालिटी की बात करें तो मुझे सबसे बेस्ट फैब्रिक इसका लगा, अगर इन दोनों में से भी चूज करना हो मुझे तो, बिकॉज काफी थिक फैब्रिक है, बहुत अच्छी क्वालिटी फील हो रही है वेयर करने के बाद। 477 का तो लग ही नहीं रहा किसी भी एंगल से, बस अपना परफेक्ट साइज ले लेना यार। मैंने तो पता नहीं एल जल्दबाजी में क्यों बाय कर लिया, बस ये है कि अगर साइज बाय करती ना परफेक्ट तो ये सेट बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। अगेन आप इस सेट के लिए भी आप जा सकते हैं, आई लव इट। ओके सो गाइस नेक्स्ट आई गॉट दिस सेट एंड अगेन इसको भी मैंने एल में ले लिया, बट ये इतना लूज नहीं लग रहा, ये चल रहा है काम, इससे चला सकते हैं क्योंकि थोड़ा स्ट्रेचेबल काइंड ऑफ फैब्रिक है और इस टाइप का फैब्रिक है, इससे चल जाता है काम। बट फिर भी मैं बोलूंगी अपना परफेक्ट साइज के लिए ही जाना, बिकॉज थोड़ा फैब्रिक भी स्ट्रेचेबल है तो अच्छा लगेगा। अगेन ये टाई एंड डाई प्रिंट में था और इसका जो प्राइस था वो था 745। तो 745 के अकॉर्डिंग ना मैं बहुत ऐसे हो रही थी यार बाय कर ले रही ना, बिकॉज काफी अच्छा लग रहा था। इसके साथ रिसीव होगी पेंसिल स्कर्ट और एक टॉप, तो आपको ऐसे टैंक टॉप रिसीव होगी। फैब्रिक इसका रियॉन है, शाइन देखो फैब्रिक पे कितनी अच्छी है और ये टाई एंड डाई प्रिंट देखो बिल्कुल भी ऐसा चीप और ऐसा फील ही नहीं हो रहा, बहुत अच्छा है। अच्छा थोड़ा सा डीप जाता है तो अगर आपको पसंद नहीं आता तो इसको आप यहां से ऐसे कर सकते हो, मतलब इस टाइप से ना टाई कर सकते हो और फिर वेयर कर सकते हो, बहुत ही क्यूट सा लुक आ जाता है। अगर ऐसा नहीं करना तो कट करके स्टिच कर लो, तो थोड़ा सा डीप जाता है वो इशू है इसमें, बाकी लुक बहुत अच्छा। और शायद मेरा साइज उल्टा पुल्टा इसलिए लूज लूज भी लग रहा होगा, बहुत ही क्यूट सी है। इसको तो मैं ना किसी जीन्स वगैरह के साथ भी पहनूंगी ना, बड़ा अच्छा सा लुक आएगा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी तो या अच्छी है। स्कर्ट की बात करें, स्कर्ट आपको पेंसिल स्कर्ट रिसीव होती है और ये कुछ इतनी लेंथ है, तो स्कर्ट की लेंथ बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल भी शॉर्ट स्कर्ट नहीं है। सेम प्रिंट मिलता है स्कर्ट पे भी और छोटू सा ना एक साइड में स्लिट मिलेगा, इस साइड मिलेगा, लेट मी चेक। हाँ फ्रंट में आपको मतलब इस साइड ऐसे छोटू सा इतनू सा स्लिट मिलता है, लुक बहुत क्यूट आता है। इसको शूज वगैरह के साथ भी वेयर कर सकते हो, मैंने तो आपको हील्स के साथ, ट्रांसपेरेंट हील के साथ ही सभी को स्टाइल करके दिखाया, मतलब एक आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि आउटफिट कैसा है। तो गाइस अगर इनमें से सबसे बेस्ट बात करूं तो मुझे पिंक सेट लगा है और वो चेक प्रिंट का सेट भी बहुत अच्छा है, बाकी जो मैंने नेट वाला दिखाया वो भी अच्छा है, तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। और ये वाला सेट भी अच्छा है, अगर ये भी मेरे परफेक्ट साइज में होता तो और फ्लैटरिंग लगता मेरी बॉडी टाइप पे। तो मैं बोलूंगी यार वाकई में मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि प्राइस के अकॉर्डिंग इतने प्यारे सेट्स मुझे रिसीव हुए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे, वाकई में अच्छे हैं। ओके लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।